दोस्तों, बदलते मौसम और सर्दियों में बच्चों की नाक अक्सर बंद हो जाती है, जिससे बच्चों को सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। बच्चा ठीक से ना तो सो पाता है और ना ही दूध पी पाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे नेजल ड्रॉप के बारे में जो बच्चों के बंद नाक को तुरंत खोल देगा, जिससे बच्चा ठीक से दूध भी पी पाएगा और ठीक से सांस भी ले पाएगा और अच्छी नींद भी लेगा। हेलो दोस्तों, मेरे हेल्थ चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ ही दी जाती हैं, तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बच्चों की बंद नाक को खोलने के लिए सलाइन नेजल ड्रॉप या स्प्रे का यूज़ किया जाता है। यह मेडिकल स्टोर में कई प्रकार के ब्रांड्स नेम से अवेलेबल रहता है, जैसे क्लियर वे, नेजो क्लियर या ऑल्ट्राविड। आइए दोस्तों, जानते हैं कि इसमें कौन सी मेडिसिन रहती है। तो दोस्तों, इसमें जो केमिकल रहता है वो है 0.65% सोडियम क्लोराइड और स्टाइल वाटर, और साथ ही इसमें रहता है बेंजल्कोनियम प्रिजर्वेटिव। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि सलाइन नेजल ड्रॉप को कैसे यूज़ करना है। तो जब आपके बच्चे की नाक बंद हो तो इसे 6 महीने तक के बच्चों की नाक में एक एक ड्रॉप दोनों नोस्ट्रिल में और उससे ऊपर की उम्र के बच्चों में दो दो ड्रॉप दोनों नोस्ट्रिल में दिन में 4 से 6 बार डाल सकते हैं। डालने के बाद बच्चे के हेड को नीचे रखें, तुरंत ऊपर ना उठाएं ताकि ड्रॉप पूरी तरह नाक के अंदर जा सके। साथ ही नाक को स्क्वीज कर सकते हैं ताकि जो सलाइन स्प्रे है या सलाइन ड्रॉप है वो नाक में अच्छी तरह मिक्स हो सके। इससे क्या होगा, इससे जो म्यूकस है वो पतला हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और इजली बाहर निकल जाएगा। इससे बच्चे को दूध पिलाते वक्त डालने से और भी अच्छा इफेक्ट रहता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस नेजल ड्रॉप्स के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस जो ड्रॉप है, जो स्प्रे है, उसमें केवल ये मान के चलिए कि नमक इसमें है, नमक का घोल है एक प्रकार का। बट आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि घर में नमक पानी का घोल बना के आप बच्चे के नाक में डालें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। वो एक प्रॉपर रेशियो में बनाया जाता है, तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत बच्चे को खांसी आ जाए या बच्चे को छींक आ जाए, तो इससे ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं क्योंकि ये एक प्रॉपर रेशियो में बनाया जाता है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी।